हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 99% यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे, जैसे पिच की लंबाई कितनी होती है, गेंद का भार कितना होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है, बैट की चौड़ाई कितनी होती है और स्टंप की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, पिच की लंबाई कितना होती है, 22 गज, यानी क्रिकेट के जो पिच होती है उसकी लंबाई होती है 22 गज। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20.11 मीटर। ठीक है, मीटर। अब समझिए गेंद का भार कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, गेंद का भार होता है 155 ग्राम से 163 ग्राम, यानी इसके बीच में होना चाहिए। अब देखिए बैट की लंबाई, बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, बैट की लंबाई होती है 38 इंच। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बैट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो बैट की चौड़ाई होती है 4.25 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टंप की लंबाई, स्टंप की लंबाई कितनी होती है। तो स्टंप की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 72 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।